संशय की एक रात। संशय की एक रात नरेश मेहता, जो नई कविता के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित एक पौराणिक नाट्य काव्य है। और इसके प्रकाशन ने, जब ये 1967 में प्रकाशित हुआ और ये 1962 जब भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, उसी की समस्या को लेकर ये खंडकाव्य लिखा गया है। तो उस समय इस खंडकाव्य ने हमारे जो हिंदी का साहित्य जगत था उसमें एक वैचारिक हलचल पैदा कर दी। वस्तुतः संशय की एक रात में कवि नरेश मेहता ने राम के भीतर युद्ध के प्रति एक संशय पैदा करके आधुनिक मनुष्य की चिंता को हमारे सामने रखा है। युद्ध चिंता का विषय है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो कह सकते हैं कि युद्ध ने मानवता का बहुत नुकसान किया है। न केवल जन हानि हुई है, बाकी धन हानि, मानवीय मूल्यों का नुकसान, संस्कृतियों का पतन, ये सब इससे युद्ध से जुड़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य युद्ध से थोड़ा घबराता है और उसके प्रति चिंता करता है। हम सब जानते हैं इस बात को कि बहुत पुरानी बातों पे भी ना जाएं हम तो 20वीं सदी के प्रारंभ में हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। उसकी आग बुझ भी ना पाई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1 सितंबर 1939 को, 1945 तक चला। उसके बाद हमने देखा उसका दुष्परिणाम कि किस तरीके से आणविक बमों का प्रयोग किया गया, करोड़ों लोग इसमें मारे गए, अरबों खरबों का नुकसान हुआ, मतलब पूरी मानवीयता और जो मानव समाज था थर्रा उठा था युद्ध के कारण। भारत के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो भारत 1947 में आज़ाद होता है, 1948 पर उसमें एक युद्ध थोप दिया जाता है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ। हम लोगों ने 1955 में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। लेकिन 1962 में फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 1965-1971 कारगिल का युद्ध, सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और विश्व इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो दुनिया भर के कोरिया को लेके, वियतनाम को लेके, अरब कंट्रीज को लेके बहुत सारे युद्ध हुए और आज भी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में। और उसकी जो विनाश लीला है वो खुद हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो ये जो युद्ध के प्रति जो एक मानवीय इंसान की जो चिंता है, इस चिंता को राम के माध्यम से इस खंडकाव्य में प्रस्तुत किया है। नरेश मेहता ने इस खंडकाव्य में राम के चरित्र की पुनर्रचना की है, जिसकी संभावना राम के चरित्र में थी। और इस संभावना को ना तो हमें वाल्मीकि के रामायण में देखने को मिली, ना हमें तुलसी के राम में देखने को मिली, ना किसी और कवि के राम में भी हमें ये संभावना या राम की ये चिंता, राम का ये संकट हमें देखने को नहीं मिलता। नरेश मेहता ने मतलब उस अंश को उठाया है राम की कहानी में से, जो एक घटनाहीन अंश है जिसे बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं देखा दिया है, उसको आधुनिक दृष्टि से देखते हुए और उन्होंने उस कथा अंश को हमारे सामने रख दिया है। संग कुछ इस तरीके से है कि राम सेतु बन चुका है और राम और रावण का युद्ध तय हो चुका है, लेकिन राम युद्ध को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मानव में जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या उसका उपयोग करके, उसको जगाकर इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? इस युद्ध का समाधान युद्ध में क्यों हो, इस समस्या का समाधान क्या शांति से हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते? ये संशय राम के मन में आता है एक दिन पहले उस रात को। और इसी कथा अंश को लेकर ये खंडकाव्य लिखा गया है। नरेश मेहता जी ने इस खंडकाव्य में हमको ये बताने की कोशिश की है कि राम इस पर इस तरीके से विचार कर रहे हैं कि आने वाला इतिहास, यद्यपि मैं प्रज्ञा पुरुष हूं, अवतारी हूं, लेकिन आने वाला इतिहास मुझसे ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि क्या ये युद्ध जरूरी था? ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का कारण सार्वजनिक है या व्यक्तिगत है? क्योंकि राम नहीं चाहते कि मैं अपने व्यक्तिगत किसी कारण के लिए, क्योंकि सीता मेरी पत्नी है और राम ने
ये सोचा कि रावण ने सीता का हरण किया है, मैं उसको मुक्त कराना चाहता हूँ। ये मेरा एक व्यक्तिगत कारण है और मैं इस व्यक्तिगत कारण के कारण पूरी प्रजा को, चाहे वो लंका की प्रजा हो या सुग्रीव की सेना हो, उसको मैं युद्ध में झोंकना नहीं चाहता। क्योंकि इतिहास ये प्रश्न जरूर मेरे से पूछेगा कि क्या युद्ध अवसंभावी था, क्या अनिवार्य था, क्या समाधान का कोई और रास्ता नहीं था, और क्या मुझे हक है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से पूरी मानवता पर, पूरे समाज पर उस युद्ध को थोप दूं। यह संशय राम के मन में आ जाता है और यही संशय इस खंड काव्य का कथा वस्तु है, इस खंड काव्य का आधार है हमारे सामने इस प्रश्न पर विचार करना कि वाकई युद्ध जरूरी है, और जहां जरूरी है वहां युद्ध करना भी पड़ा। और बाद में हम जब इस खंड काव्य को पढ़ते हैं तो इस खंड काव्य में बाद में यह प्रतिपादित हुआ है कि जब स्वतंत्रता का हरण हो, जब मानवता पर संकट आ जाए, जब मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, तो युद्ध अवसंभावी बन जाता है, वहां युद्ध ना करना कायरता है। तो वहां उन्होंने युद्ध की अनिवार्यता बताई है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि संशय की एक रात नरेश मेहता ने जो खंड काव्य लिखा, वो कालखंड कौन सा था? 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था और ये प्रश्न उठ रहा था बार बार, और उसमें विचार किया गया कि चीन से युद्ध करना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। तो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, जब अस्तित्व पर ही प्रश्न आ जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसी बात का उत्तर, इसी बात का समाधान हमको इस खंड काव्य में मिलता है। मैं आपको संशय की एक रात खंड काव्य का पूरी व्याख्या, पूरा विश्लेषण, पूरा सारांश बताऊंगी। इसका क्या उद्देश्य था, वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, और इसमें कौन कौन से पात्र हैं, राम, लक्ष्मण हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, दशरथ हैं, जटायु हैं, सबकी पात्र जो सृजना हुई है, वो भाषा शैली, पूरी समीक्षा सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि खंड काव्य किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संशय की एक रात एक खंड काव्य है। तो खंड काव्य क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले भी मैं बता चुकी हूं और उस वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि खंड काव्य किसे कहते हैं। यहां संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूं कि खंड काव्य क्या है। देखो, कोई भी जो साहित्य होता है, उस साहित्य को हम मोटे मोटे दो भागों में बांट लेते हैं। एक हम बांट लेते हैं गद्य भाग और एक बांट लेते हैं हम पद्य भाग, है ना। गद्य में जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाद, ये सब कुछ आता है, और पद्य में कविताएं आती हैं, आप मोटा मोटा ये मान के चलिए, है ना। अब जो पद्य है, इस पद्य को हम फिर दो भागों में बांट लेते हैं। पद्य को दो भागों में कैसे बांटते हैं? एक प्रबंध काव्य कहलाता है और एक कहलाता है, जैसा आपको साइड में जो मैंने चार्ट दे रखा है इसमें आपको दिख भी जाएगा, एक प्रबंध काव्य कहलाता है और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में क्या होता है कि कोई एक कथा होती है, काव्यात्मक रूप में वो कथा चलती है, उसको हम कहते हैं प्रबंध काव्य, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत, ओके। मुक्तक काव्य में क्या होता है कि स्वतंत्र कविताएं होती हैं, उसमें कविताओं का संग्रह होता है, लेकिन एक कविता का किसी दूसरी कविता से कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता, उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। ये चीज भी मैं आपको एक वीडियो में समझा चुकी हूं कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। अब जो प्रबंध काव्य है उसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्रबंध काव्य, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। महाकाव्य नाम से मालूम पड़ रहा है, महाकाव्य है, इसमें जो नायक है उसके पूरे जीवन की कथा को काव्यात्मक रूप में बताया जाता है। जैसे रामायण, रामायण में हम देख रहे हैं कि राम के पूरे जीवन का चरित्र रामायण में, रामचरितमानस में हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसको महाकाव्य कहते हैं। लेकिन संशय की एक रात खंड काव्य है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, राम के जीवन की केवल एक रात, जिस रात उनके मन में यह संशय आया कि यह युद्ध मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्तिगत कारणों से युद्ध हो रहा है, क्यों मैं समाज पर इस युद्ध को थोप रहा हूं, यानी कि राम के पूरे जीवन का वर्णन नहीं है, राम के जीवन की केवल उस एक रात की एक घटना का वर्णन है, यानी कि खंड, जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन है, इसे कहते हैं अपन खंड काव्य। तो समझ में आया आपको, महाकाव्य, खंड काव्य, संशय की एक रात एक खंड काव्य। तो खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है जिसमें जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा जाता है। इस खंड काव्य में एक कथा प्रमुख होती है, कोई प्रासंगिक कथाएं इसमें नहीं आती हैं, इसका जो आकार होता है वो काफी लघु होता है,
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सर्ग में विभाजित होता है, लेकिन जनरली खंड काव्य में 8 से ज्यादा सर्ग हमको दिखाई नहीं देते हैं। 8 तक के सर्ग होते हैं, मतलब संक्षिप्त होता है, लघु होता है, क्योंकि जीवन की कोई एक ही घटना बता रखी होती है और कुछ सहायक कथाएं इसमें नहीं मिलती। उस मतलब उस जो नायक है जिसके जीवन की उस घटना का वर्णन कर रहे हैं, जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो उस नायक की उस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है। तो वो उसी घटना से चूंकि बहुत प्रभावित है, बहुत आकर्षित है, उसी घटना को वो नवीन संदर्भों में या जो उसका मनोवांछित संदर्भ है उस संदर्भ में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये परिभाषा और अर्थ समझने के बाद अब बहुत जरूरी है कि हम संशय की एक रात जो खंड काव्य है उसके लेखक के बारे में जाने। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लेखक हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता नई कविता के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार हैं, जो अज्ञेय के द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक में नरेश मेहता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता हिंदी के उन शीर्षस्थ उन सर्वश्रेष्ठ लेखकों में गिने जाते हैं जो भारतीयता को एक बहुत ही गहरी दृष्टि से, पूरी संवेदनात्मक दृष्टि से देखने के लिए जाने जाते हैं। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को एक नई व्यंजना के साथ, एक नए आयाम के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। रागात्मकता, संवेदना, उदात्तता, ये उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा उनका परिचय हमें जान लेना चाहिए। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के शाजापुर नामक जगह में हुआ था। व्यवसाय से वो साहित्यकार, लेखक और कवि थे। हिंदी की खड़ी बोली उनकी भाषा थी, उसमें संस्कृत निष्ठा हमको बहुत देखने को मिलती है। उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1992 में उनको ज्ञान पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य का भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, 1992 में उनको इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से ने लिखा और खूब लिखा और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा। उन्होंने मूल रूप से वो कवि थे, उनके काव्य संग्रह तो प्रसिद्ध हैं, साथ ही उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखे, यात्रा वृतांत भी उन्होंने लिखे। मैं यहाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों के नाम आपको बताती हूँ। उन्होंने वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, अरण्या, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उन्होंने जो खंड काव्य लिखे तो संशय की एक रात तो हमारे कोर्स में है ही, इसके साथ साथ उन्होंने महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष, ये उनके प्रसिद्ध खंड काव्य रहे। उत्तर कथा, तथापि, एक समर्पित महिला, धूमकेतु, एक श्रुति, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। तो इस तरीके से जो नरेश मेहता थे उन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि हम उनकी भाषा की बात करें तो नरेश मेहता की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी की खड़ी बोली है, चाहे तो शिल्प की दृष्टि से ले लें या अभिव्यंजना की दृष्टि से देख लें। उनकी भाषा में हमको ताजगी और एक नयापन देखने को मिलता है, क्योंकि नए कविता के युग में उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में हमको सीधे और सरल बिंबों का प्रयोग देखने को मिलता है। मेहता जी की जो भाषा है वो बिल्कुल विषय के अनुकूल, भावों के साथ बहती हुई प्रवाहमयी भाषा है। उन्होंने अपने कविताओं में बहुत ही स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग किया, कहीं भी उनके अलंकार ठूसे हुए नहीं दिखाई देते। रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों का यथास्थान बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया गया है। नवीन उपमानों के साथ साथ उन्होंने परंपरागत उपमानों का भी प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है और संशय की एक रात जो उनका खंड काव्य है वो उनका मुक्तक छंद में लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध और आधुनिक बोध से
समन्वित खंड का। नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात जो खंड काव्य है उसका छोटा सा प्रसंग है जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुकी हूँ। और छोटा सा प्रसंग यह है कि राम और रावण के युद्ध का निश्चय हो चुका है, लेकिन जस्ट एक दिन पहले राम सेतु तैयार हो चुका था और एक दिन पहले रात को ही राम के मन में एक संशय जागता है कि क्या युद्ध असंभावी है। वो मानव में जो एक श्रेष्ठ जो मानवीय मूल्यों के प्रति जो चिंता है उस बात को लेकर ये मानव के मन में जगाना चाहते हैं कि युद्ध ही हर समस्या का समाधान नहीं है, इस समस्या का समाधान युद्ध के अलावा भी कुछ और हो सकता है। इस बात को लेकर उनका मन संशयग्रस्त हो जाता है और इसी छोटी सी कथा वस्तु को नरेश मेहता ने चार सर्गों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो चार सर्ग हैं। सबसे पहला जो सर्ग है वो है सांझ का विस्तार और बालू तट। दूसरा सर्ग है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन। तीसरा जो सर्ग है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय। और चौथा सर्ग है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। इन चार सर्गों में इस कथा वस्तु को बांधा गया है। मैं आपको चारों सर्गों का सारांश बताऊंगी और पूरी व्याख्या और विश्लेषण बताने की कोशिश करूंगी।